अस्सलामुअलैकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक। और जी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग भी होंगे ठीक ठाक, अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अदील साहब को लगाया हुआ फिर से काम पे कि यहाँ से टीवी हटा रहे हैं, हम कहाँ लगा रहे हैं वो आपको मैं बाद में बताऊँगी। अभी फ़िलहाल आप ये देखिए कि अदील साहब अपनी जो ड्रिल है वो बड़े शौक से और बड़े मज़े से यूज़ कर रहे हैं। अदील साहब को यूज़ करने का मौका मिल गया है क्योंकि जब से ली थी ये वैसी की वैसी रखी हुई थी, तो आज ही चाहिए। और आज अदील साहब ये यूज़ करते हुए हवाओं में उड़ रहे हैं कि मुझे ज़ोर नहीं लगाना पड़ा और ये स्क्रू खुल गए और टीवी अब इस दीवार से हट रहा है, तो टीवी कहाँ लग रहा है वो भी आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाऊंगी। अभी हमें क्या करना है? मेरे वो है मोहम्मद नो और ये काम शुरू हुआ है रात के 9 बजे, ये रात के 9 बज रहे हैं, बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं, तो ये 10 मिनट का काम होगा, आप ऑफिस का काम कर लीजिए। 10 मिनट का ही अदील आपकी ये ड्रिल कब काम आएगी? भी 10 मिनट देखिए उसने 2 मिनट में स्क्रू खोल दिए। यस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा है कि टीवी आ गया है रूम के अंदर, तो टीवी ये वाला लग रहा है हमारे रूम के अंदर इस वॉल पे जहाँ मैंने रखा हुआ था इस्त्री, जहाँ मैंने रखी हुई थी इस्त्री की टेबल, तो यहाँ लगाएंगे टीवी बेड के बिल्कुल सामने, यहाँ लगेगा। मोहम्मद क्या कार्टून देखेगा? मोहम्मद यस, मोहम्मद जो सुबह सुबह 10 बजे मम्मा को उठा के बाहर ले जाते हैं ना, मोहम्मद आप यहाँ लेटे लेटे मम्मा नींद पूरी करेंगी और मोहम्मद यहाँ कार्टून देखेंगे। यस फाइनली टीवी लग चुका है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी बच्चियों को काफ़ी दिनों से ये दिल चाह रहा था कि मम्मा हमें चूड़ियाँ दिला दें, मम्मा हमें चूड़ियाँ दिला दें, तो आज इनकी जो है ना ख्वाहिश पूरी कर दी, इनको कांच की चूड़ियाँ दिला दी। कांच की वैसे लेनी नहीं चाहिए थी, इनकी जो है ना टूट भी सकती है और इनको लग भी सकती है, लेकिन आयशा ने अपनी पसंद की उठाई और जैनब और इनाया के लिए भी पसंद की उठाई। और ये जो है ना जल्दी के चक्कर में ये इनाया का कंगन था और इनाया का कंगन इनको पहना दिया चेंज, क्योंकि जैनब से सब्र नहीं हो रहा था कि मम्मा बस मुझे चूड़ियाँ पहना दें जल्दी से जल्दी। तो ये देखिए, और बताइएगा कि मेरी प्रिंसेस के हाथ कैसे लग रहे हैं। इनको बहुत शौक चढ़ रहा था, बहुत शौक था इनको, काफ़ी दिनों से कह रही थी कि चूड़ियाँ दिलाएं हमें चूड़ियाँ। मम्मा ये देखिए, ये मेरी जो है आशा प्रिंसेस, ये मेरी इनाया प्रिंसेस और ये मेरी जैनब प्रिंसेस के हाथ है। तो आप सब बताइएगा कि कैसी लग रही हैं चूड़ियाँ पहन गए हैं, ना कोई पार्टी ना कोई दावत, वह चूड़ियाँ पहन ली, शौक का कोई मोल नहीं है, शौक का कोई टाइम नहीं है। अच्छा जी ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी होम बॉक्स से। और जी ये 5 रियल का आया था और ये लेकर आई थी फेरी के लिए, और ये स्पून रखने के लिए, और ये और मेन जो चीज़ है मेरे मोहम्मद की सिटी मैक्स से जो कपड़े आए थे, ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मैंने आप लोगों को दी, शो कराई थी प्राइस, ये आए बहुत ही अच्छे पजामे मिले हैं मोहम्मद के, और ये 5 रियाल की शर्ट, और ये पजामा, और ये पजामा, और ये बच्चों की ली थी ये पानी वाली बॉटल्स ये। अच्छा जी, अब जो टाइम है बच्चों से जो सब्र नहीं हो रहा बच्चों से, ये स्टिकर्स जो इनके रूम के लिए लिए थे इनसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा कि मम्मा लगाएं लगाएं लगाएं, और ये
ये स्कूल लेके जाना आप लोग, ठीक है? ओके। 60 by 90 सेंटीमीटर, तो वेरी इजी है तो। वाओ, थ्री प्रिंसेस, आशा, इनाया, ज़ैनब। ये रिमूव करो और यहीं पे ही अच्छी लगेगी। और ये विंडो का जो वॉलपेपर मैंने लगाया था, सत्यानाश हो गया, बहुत ही बुरा लगता है विंडो के, लेकिन निकल नहीं रहा ये। यस, ये आप हो और ये आशा एंड ये इनाया। यस, अच्छा ये तो रिमूव हो गया क्योंकि यहाँ ही यहीं ये स्टिकर्स ही अच्छे लगेंगे। और ये जो है ना, अगर लगा रहेगा तो नहीं, बटरफ्लाई लगे रहे, आप इसके आसपास ही लगाओ। अच्छा जी, अभी यहाँ पे राइट साइड। वेट वेट, बेटा पापा लगा रहे हैं। बीच में ज़ैनब होती है, सेंटर में, तो सेंटर में ज़ैनब वाली जो है ना प्रिंसेस लगेगी, ये ब्लू वाली ज़ैनब है। और मैं आप लोगों को एक और भी चीज शेयर करती हूँ कि ये बच्चों की जो है ना स्टडी टेबल मैं इधर लेकर आई हूँ। ये बच्चों की स्टडी टेबल इनके रूम में ही आ गई है। और ये जो शेल्फ मेरी टीवी के पास लगी थी, ये मैंने बुक्स के लिए यूज कर ली है क्योंकि इस पे काफी फूल पौधे मैंने लगा के रखे हुए थे। और अच्छा, बिल्कुल मुझे इनकी बुक्स के लिए मेन चीज़ है कि मुझे चाहिए थी, तो शेल्फ मैंने यहाँ लगा ली। तो ये भी इनकी यही बीच में, जहाँ ये ना पेंट उतरा हुआ है, नीचे थोड़ा नीचे करे ऐसे, यस। ज़ैनब, इतनी प्यारी लग रही है ज़ैनब। ये आशा है और आशा इधर सोती है इस तरफ। हाँ, ये अच्छे स्टिकर्स हैं और ये रिमूव भी आसानी से हो जाएंगे। नहीं नहीं, विंडो के बिल्कुल पास नहीं। हाँ, इधर थोड़ा ऊपर ऊपर, यस यस यस। वाओ, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, ये आ गई हैं आयशा। आप उड़ती भी हो हैं? वाओ, आप फ्लाई भी करती हो। इनाया का नहीं लगाते? लगाना है। अच्छा चलो ठीक है। और अच्छा, ये स्टिकर मुझे होम बॉक्स में मिलेंगे, मिले थे, मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रही हूँ, होम बॉक्स में मिले थे ये मुझे। और प्राइस मैं भूल गई हूँ, वीडियो मैंने व्लॉग मैंने पहले जो डाला उसमें प्राइस है इनकी कितने, नहीं 25 के नीचे। हाँ हाँ, इधर हाँ, यस। इससे पहले जो व्लॉग आप लोगों ने देखा है उसमें इसकी प्राइस शो हो रही है। और ये मुझे होम बॉक्स से मिले थे, यस। हाँ, इनाया का येलो फ्रॉक इतना प्यारा लग रहा है। वाओ, थ्री प्रिंसेस, आशा, इनाया, ज़ैना। ये बादल बादल सब इसी ही वॉल पे लगेंगे, यस। ये जो होम भी है ना, ये भी इसी वॉल पे लगेगा। दिखाएं ये इस तरह बना हुआ है ना आदि, देखे इस तरह। हाँ, यही लगा दे, बारिश भी हो जाएगी। यस, रेन रेन। अच्छा, ये ट्री ट्री है और क्या है, फ्लावर हैं। फ्लावर इतने अच्छे हैं। हाँ, कैसल को देखिए, कैसल है ये। यस ठीक है, यस गुड वर्क। ये वाले लगाओ इनाया के पास, इनाया के पास जगह ही नहीं है। है है है, आती है ये रूपांतर की। हाँ,
सही तो कह रही है। हाँ ये लोग वाकई सही बात है, इन्हीं को पता है कार्टून। आपके पास ये आएगा ना, फ्लावर आएंगे आपके पास, ये आएगा। यस इधर लगाए। हाँ मेरे पास कैसे लाए? नहीं नहीं ऊपर थोड़ा सा ऊपर ऊपर। यस मेरे पास आएगा, दोनों के पास है, आशा के पास भी है और ज़ैनब के पास भी। इनाया के पास ये लगाए आप। यस यहाँ इनाया के आगे आगे इनाया के। यस यस ऐसा लग रहा है मैं अपने कैसल में जा रही हूँ। यस यहाँ पे। यस जैनताज ये वाली बटरफ्लाई ज़ैनब के पास लगेगी, ब्लू वाली। ज़ैनब क्या जरूरत नहीं है नाजी? नहीं है जरूरत। ये यस मैं बड़ी हूँ, मुझे भी आता डिजाइन करना। मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी। अच्छा जी अब क्या करना है? ये फ्लावर्स नहीं बस बहुत बेटर। ये कहाँ लगे? यहाँ वेरी ब्यूटीफुल। कहाँ? ये मेरे इधर इधर इसके फ्रॉक के पास, उधर ट्री लग गया ना, देखा ना? नीचे नीचे आधी नीचे। यस यस मेरे पास है। नहीं नहीं सही है। और ये आपके पास भी आएगा आएगा, अभी बहुत है। मेरे पास ये वाली ये वाली चाहिए। ये वाली इस इधर लगाए इधर आशा के पास। मम्मा मुझे ताज चाहिए। ओके ताज आपको मिलेगा, ठीक है? मिलेगा। ये क्राउन कहते हैं। ये ताज मिलेगा। अच्छा क्या? ये इधर आशा के पास। ज़ैनब के पास तो कुछ भी नहीं, बिचारी के पास। है ना बटरफ्लाई? है ना बटरफ्लाई? कहाँ देखो इधर। ये मुझे दे दे। मेरा पर्पल कलर। यस मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद है, आपके को ब्लू कलर। और ये ज़ैनब पे लगा दो। ये ज़ैनब के फे। हाँ इधर यहाँ यहाँ सर के ऊपर। वाओ बस चीज़ खत्म ही नहीं हो रहे यार। फिर मोहम्मद के बेड का लगाना है। नहीं मेरे पास बीच में। हाँ बीच में नीचे नीचे इधर। हाँ यस अब ये फ्लावर आएंगे। फ्लावर कहाँ है? फ्लावर तो लग गए, फ्लावर लग गए हैं, इनाया के पास लग गए हैं और बटरफ्लाई है बस। दो ही बटरफ्लाई अब रह गई हैं। वेट 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 बेटा वेट, कैसे निकालूंगा? एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर और एक ही बटरफ्लाई। ये ले कहाँ पे? ये इधर बटरफ्लाई इनके बीच में है नाया के और ज़ैनब के नीचे नीचे। यस नो नो ऐसे नहीं निकलेगा, ज़ैनब को बहुत जल्दी है कि मेरी तरफ लग जाए चीज। अच्छा इसको खुद लगाने दे, जाए जाओ लगाओ। कहाँ लगाना है? ऊपर ऊपर ऊपर। उसको अपने पास और उल्टी लगा दी, अपने पास लगानी और उल्टी लगा दी। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और ये फ्लावर अच्छा चलो चलो जाओ। छोटी है ना बेटा, छोटी है, चलो उसको हैप्पी होने दो। अच्छा मैं निकाल चिपका के नहीं लगाना, थोड़ा सा दूर लगाओ अपने से। नहीं नहीं ऊपर ऊपर। अच्छा भी उसको बस वेरी गुड। अच्छा अब इसको जो है ना रख दो सेफ, ठीक है? अगर हमें रिमूव करने हुए ना तो हम दोबारा इसी के ऊपर लगा के रिमूव करके सेव कर सकते हैं स्टिकर्स को, ठीक है? चीज़ ज़ाया नहीं हो रहे हो ताकि। नहीं मेरी चार्ट पे लगा।
के रूम में आप स्टार देख रहे हैं ना, ये स्टार मैंने 5 रियाल वाली शॉप पे लिए थे, शॉप से लिए थे, और मैंने इनको जो है ना उससे लगाया है, ग्लू से। वाओ ब्यूटीफुल, ये तो मेरी ज़ैनब है। सिर्फ यही अच्छा लग रहा है, और व्यूवर्स भी बताएंगे कि स्टिकर्स कैसे लग रहे हैं, और जो है कैसे लग रहे हैं स्टिकर्स। तो आप लोग भी ज़रूर अपने जो है बच्चों के लिए ले आइएगा, बच्चों को हैप्पी कीजिएगा। वो किधर है, ये कहाँ लगाने? ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक इस तरह से है। मैंने कहा आप लोगों को पूरा दिखा दूँ, और बहुत प्यारी बॉल लग रही है। और ज़ैनब जो है ना रो रही है, ज़ैनब को ये है कि वो वाले स्टिकर्स भी इसी बॉल पे लग जाए। मैंने कहा खिचड़ी पक जाएगी, यहाँ नहीं लगा सकते। तो इनके जो पापा का आइडिया है वो ये है कि इनको डोर पे लगाते हैं, ताकि पता चले कि ये बच्चों का रूम है, डोर पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस वजह से ये जो है ना डोर पे लगा रहे हैं हम लोग। स्टिकर जो है ना ट्रांसपेरेंट है, और ये स्टिकर डार्क कलर पे नहीं अच्छे लगेंगे, ये वॉल पे ही अच्छे लगेंगे, दिखेंगे। आदि मेरा कहना माने आप, इस वाले बेड पे ना यूं करके लगाएं, यूं करके। हाँ ये देखिए, ये लाइट जो है पेंट होगा नीचे तो ये नजर आएगा, ये डार्क जो है ना पेंट पे नहीं नजर आएंगे, डोर पे नहीं नजर आ रहे थे ये। ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, इट्स माय हीरो। ये कहाँ जाएंगे फ्रॉग मियां? ये फ्रॉग है ना? जी, ये घर के नीचे आएंगे। मोहम्मद साहब सो रहे हैं तो सुकून से काम हो रहा है। यस, यहीं लगा दे। सो रहे हैं तो सुकून से काम हो रहा है। मोहम्मद लगाने नहीं देते आप लोगों को ये स्टिकर। अभी मोहम्मद के भी है ना, मोहम्मद के बेड के भी हैं। ये कहाँ है तार? बाकी इनको बोलो लगाएंगे। यस, ये मेरे ऊपर है, ज़ैनब के ऊपर है ना। चलो अब आप लोग ये, हाँ आप निकाल निकाल के दें इनको, ये खुद लगाएंगे। चाटने लगा। यस, इधर लगा दो। अच्छा जी, बच्चों का भी शौक पूरा हो गया है, बच्चों ने खुद भी लगा लिए स्टार्स, हार्ट्स वगैरह सब खुद भी लगाया, और पापा ने भी लगाया, और जी मम्मा ने जो है ऑर्डर दिया है, और बाकी सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कैसे लग रहे हैं आप लोग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये है मोहम्मद साहब के बेड के लिए मैंने लिया था, और ये देखिए ये इस तरह से हैं, और बस इसको अब लगाने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ।
अच्छा जी ये देखिए मोहम्मद के बेड के स्टिकर भी लग गए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल ऐसे लुक आ रहा है इनका, स्टिकर्स ज़बरदस्त है। ये देखिए मोहम्मद, वाओ मोहम्मद ने, अब देखिए मोहम्मद साहब उठ गए और मोहम्मद की बस बेडशीट आनी है, ऐसी ही कार्ड्स वाली बेडशीट आएगी इंशाल्लाह। मोहम्मद वाओ रेडी है मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद कार चलाओ, कार चलाओ, कैसे चलती है कार, कार चलाते हैं ये देखिए ये बच्चों के रूम का थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है लुक, ये इस तरह से हो गया है बच्चों का कलरफुल जो है रूम, स्टार्स भी बच्चों ने लगा दिए और अपना जो है क्राफ्ट्स भी इन्होंने जो किया था वो भी दीवारों पे इन्होंने लगा दिया, बटरफ्लाई पहले से लगी हुई थी और स्टिकर्स जो है अभी लगाए, तो ये हो गया इनके रूम का जो है सेटअप।